और चंडीगढ़ में इनेलो की बैठक हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। चुनाव के बाद इनेलो की पहली बैठक है ये चंडीगढ़ में। थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक, चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में जाट भवन में ये मीटिंग हो रही है। तो बड़ी अपडेट्स चंडीगढ़ में, इनेलो की बैठक, इनेलो की राष्ट्रीय और साथ साथ राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है चुनाव के बाद। इनेलो की ये पहली मीटिंग है चंडीगढ़ में, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में जाट भवन में ये बैठक होने वाली है। देखिए, अब की बार के चुनाव की बात करें तो इनेलो की सीट बढ़ी जरूर है, क्योंकि पिछली बार एक ही सीट थी, अब कम से कम दो सीट है। हालांकि अभय चौटाला अपनी सीट जरूर हारे हैं। तो इनेलो की स्टैंडिंग इस टाइम पे क्या है, हरियाणा की राजनीति में पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, इस पर बातचीत होगी। आगे क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, विजन क्या रहेगा और कैसे ये जो जीत है इसको बरकरार रखा जाए और बेहतर किया जाए, इस पर इस मीटिंग में संभावना है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाए। अंकित का रुख कर लेंगे। अंकित, ये इलेक्शंस के बाद इनेलो की पहली मीटिंग मानी जा रही है, फिलहाल ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये भी बताइए कि इनेलो हरियाणा की राजनीति में क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इनेलो की इस वक्त। बिल्कुल, अगर मीटिंग की बात की जाए तो पहली बैठक है जो विधानसभा चुनावों के बाद, और अगर स्थिति की बात की जाए तो इनेलो की स्थिति अभी पहले से बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि पहले देखा जाए तो 2019 से 24 में इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक था और वो अभय सिंह चौटाला खुद थे, लेकिन अब जो है दो विधायक हो गए हैं सदन के अंदर की अगर बात करें, लेकिन अभय सिंह चौटाला खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए, खुद अपना चुनाव हार गए अभय सिंह चौटाला। तो इस वजह से भी एक गहरा धक्का कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला को लगा, लेकिन उनके जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला वो अब विधायक बन चुके हैं, उनके भाई हैं आदित्य चौटाला वो विधायक बन चुके हैं, तो दोनों विधायक बन चुके हैं और सदन के अंदर उनकी जो उपस्थिति है वो जरूर है और एक दमदार उपस्थिति है। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति का एक जो वोट बैंक है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक ये खासियत है कि उनका जो वोट बैंक है वो एक कोर वोट बैंक है और वो हमेशा उनके साथ रहता है, अभी भी उनसे छिटकता नहीं है। तो लेकिन पिछले दिनों 1924 की बात करें तो जब जननायक जनता पार्टी बनी तो काफी जो उनके कार्यकर्ता थे वो उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब 24 के अंदर जननायक जनता पार्टी के जिस तरह से हालात हुए हैं तो एक बार फिर से जो वर्कर रणी कहे राज्य कार्यकारिणी कहे दोनों की बैठक हो रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। तो दोनों की बैठक जो हो रही है तो वो इसी को लेकर के हो रही है कि संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि खुद ओम प्रकाश चौटाला भी बैठक में रहने वाले हैं। अभय सिंह चौटाला 1:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, पूरी जानकारी देंगे कि बैठक में किस तरह से माहौल रहा है, किस तरह के विचार हुए हैं, तो वो सारी चीजों की जानकारी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए संगठन बेहतर बनाना और संगठन को बचाए रखना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को लेकर के अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ रहे हैं। जी, संगठन को बनाना, बनाए रखना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने अंकित कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से ये मीटिंग हो रही है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संगठन को बनाना, क्योंकि गलती हमने देखी है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में निकलकर सामने आई थी, और फिर जब संगठन बन जाए तो संगठन को बनाए रखना, कार्यकर्ता छिटके ना, कार्यकर्ता एकजुट रहे, इस पर फोकस करना, ये बड़ा एजेंडा हो सकता है इस मीटिंग का।